दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास आ चुका है Vivo ब्रांड का T2 Pro फोन जो कि 23,000 के रेंज में बहुत ही कमाल का फोन है। इसमें आपको AMOLED पैनल मिल जाता है वो भी कर्व्ड स्क्रीन के साथ और इसकी खूबसूरती तो बस देखते ही बनता है और साथ में ये आता है 75 से ज्यादा टिप्स ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स के साथ जिसको जानकर आप इस अपने Vivo मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे, इसमें कोई भी शक आपको नहीं होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सबसे बड़े स्ट्राइकिंग फीचर के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ग्रीन कलर का डायलर यानी कि Vivo IQ का नेटिव कॉलिंग ऐप देखने को मिल जाता है। इसमें आपको गूगल का डायलर देखने को नहीं मिलता है। इसका फायदा क्या है? तो 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, कॉल सेटिंग्स में जाएंगे, कॉल रिकॉर्डिंग में जाएंगे, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं सारे कॉल को ऑटोमेटिकली, यानी ऑटो कॉल को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं बस यहाँ से अग्री करके। और बिल्कुल ये जानने के लिए आप बेकरार होंगे कि गूगल वाली आंटी जो कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलती थी वो इसमें सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा। बिल्कुल सुनाई नहीं देगा दोस्तों, बिल्कुल साइलेंटली कॉल रिकॉर्डिंग होगा। सामने वाले को बिल्कुल भनक भी नहीं लगेगा कि इस कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। किसी भी तरह का अनाउंसमेंट या किसी भी तरह का हिंट सामने वाले को नहीं मिलेगा और आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो रिकॉर्डिंग है वो इंटरनल स्टोरेज के रिकॉर्डिंग के रिकॉर्डेड कॉल में आपको रिकॉर्ड हो जाता है, जिसको आप चाहें तो फर्दर सेव कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बैक जाएंगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अननोन नंबर ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन को भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, यानी ट्रू कॉलर की आपको जरूरत ही नहीं है। ये अननोन नंबर को आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा किसका नंबर है। दोस्तों आपको भी इस तरह का आइकॉन काफी अच्छा लगता है जो बिल्कुल प्लेन होता है और एक ही कलर का आइकॉन आप देख सकते हैं सारा का सारा है, कोई भी डिफरेंट कलर नहीं है, जो देखने में बहुत ही आइकॉनिक लगता है। और आप देख सकते हैं कितना क्लासी और कितना बढ़िया लुक आपके मोबाइल के होम स्क्रीन को देता है। तो आप भी अगर इस तरह का मोनोक्रोम इफेक्ट चाहते हैं अपने आइकॉन्स में तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना होगा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के नीचे लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है इसमें जाना होगा और यहाँ पर आप UI कलर में जाएंगे और अगर आपने सिस्टम यानी UI कलर को इनेबल नहीं किया हुआ तो इनेबल कर लीजिए। और उसके बाद कोई भी प्रीसेट कलर से या वॉलपेपर कलर से आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप ग्रीन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा और इस तरह का प्रीव्यू आ जाएगा। मगर मोनोक्रोम नॉर्मली ब्लैक में अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको सेट करके रखता हूँ। आप यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया ब्लैक कलर में ये आता है, मगर आप देख रहे होंगे कि आप में मोनोक्रोम नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है दोस्तों क्योंकि सबसे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई कलर टू आइकॉन से इसको जरूर से आपको इनेबल कर लेना है और जैसे ही आप इसको इनेबल कर लेंगे तो ये बिल्कुल मोनोक्रोम इफेक्ट आपको दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, सारा आइकॉन सिमिलर कलर का है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। चलिए फटाक से बढ़ते हैं दूसरे हिडन सेटिंग की तरफ जो आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप अपने ऐप ड्रॉ में जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर हॉट गेम्स और हॉट ऐप्स का आपको खजाना देखने को मिल जाता है जिसमें भर भर के ऐप्स आपको दिया जाता है। और एक बार आप इसके अंदर गए दोस्तों तो ये चक्रव्यूह है, बिल्कुल आपको जकड़ लेगा और भर भर के ब्लोटवेयर दे देगा आपके मोबाइल में जो आप अनइंस्टॉल करते करते परेशान हो जाएंगे। तब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो छुटकारा पाने के लिए आपको और नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है वी ऐप स्टोर, इसमें जाना है और ये भी आपको पूरा कोशिश करेगा कि भर भर के ब्लोटवेयर दे दे, गेट ऑल नहीं करना है, होम पेज पे जाना है चुपके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज का बटन मिल जाता है, इसमें जाना है, सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं क्रिएट हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स ऑन होम स्क्रीन, इसको बस आपको यहाँ से डिसेबल कर देना। और जैसे ही डिसेबल करेंगे तो क्या होगा, जादू होगा दोस्तों। अब आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे और देखेंगे हॉट गेम्स और हॉट ऐप जो है गायब हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही आप वापस वी ऐप स्टोर में जाएंगे आप देखेंगे कि आपको यहाँ वेरियस ऑप्शंस मिल जाता है नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स का, जो आपको जरूर से डिसेबल कर देना है क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि अनवांटेड नोटिफिकेशन और अपडेट आपके मोबाइल में भर भर के आता रहे और आप बिल्कुल परेशान होते रहे। और यहाँ पर मैंने आपको एक हिडन ट्रिक दिखाया दोस्तों, भले ही आपने नोटिस ना किया हो मैं फिर से बताता हूँ कि जैसे ही आप कोई भी ऐप खोल कर रखते हैं, दो ऐप जैसे यहाँ क्रोम खुला हुआ है और आप रिसेंट में जाते हैं और देखते हैं कि वी ऐप स्टोर खुला हुआ है, तो ये रिसेंट बटन है, इसको दो बार जल्दी जल्दी दबाएंगे तो आप देखेंगे आप स्विच कर जाते हैं एक ऐप से दूसरे ऐप में और अगेन यहाँ पर डबल प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं फिर से आप दूसरे ऐप में स्विच कर जाते हैं। तो इस तरह से आप दोनों ऐप में स्विच कर सकते हैं मात्र रिसेंट बटन को दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करके। अब वापस से हम लोग ऐप स्टोर में जाएंगे और इसमें देखेंगे आपको एक ब्राउजर ऐप देखने को मिलता है जिसको आपको बस लॉन्ग टैप करके रखना और ऐप इन्फो में जाना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ से नोटिफिकेशन को फटाक से डिसेबल कर देंगे क्योंकि ये आपको इतना भर भर के नोटिफिकेशन देगा कि आप परेशान हो जाएंगे अपने मोबाइल में। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो वी ऐप स्टोर अभी आप देख रहे थे इसके भी आपको नोटिफिकेशन को डिसेबल कर देना है, लॉन्ग टैप करके रखना है, ऐप इन्फो में जाना है, नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ भी आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, इसको आपको बस डिसेबल कर देना है। और बिलीव मी दोस्तों, मन की शांति है, ये कर देंगे तो आप बिल्कुल मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, मोबाइल में आपको भर भर के जो प्रॉब्लम आने वाला था उससे आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अब दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी अच्छे मोबाइल में ऐप लॉक,
ऐप हाइड और डुअल ऐप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही काम का फीचर है और इस मोबाइल में आपको ये तीनों देखने को मिलता है। उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, तो ऑब्वियसली सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी का, इसमें आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का, यानी कि ऐप को आप हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से, ऐप को आप इंक्रिप्ट भी कर सकते हैं, बस आपको प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पर देना है। अभी मैं कोई भी नंबर दे दूंगा लेकिन आपको कोई बढ़िया नंबर देना है ताकि कोई भी उसको गेस ना कर सके। और आप जानते हैं कि इसमें आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है तो फटाफट से इसको आपको दे देना है। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ऐप इंक्रिप्शन यानी ऐप लॉक और ऐप हाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए सबसे पहले ऐप लॉक देखते हैं कैसे काम करता है। तो ऐप लॉक का यहाँ पर टाइम आपको सेट करना अगर आप चाहते हैं, तो इसका क्लियरली मतलब है कि एक मिनट अगर आपका स्क्रीन को लॉक हुआ हो गया है तो ऐप जो है लॉक हो जाएगा, या ऐप क्लोज हुआ है तो ऐप लॉक हो जाएगा, या फिर इमीडिएटली स्क्रीन लॉक हुआ है और ऐप क्लोज हुआ है तो ऐप लॉक हो जाएगा, या फिर स्क्रीन लॉक हुआ है तभी ऐप लॉक होगा वरना ऐप लॉक नहीं होगा। और किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर लेंगे लॉक करने के लिए, जैसे अमेजन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन पहले देख लेते हैं कि अमेजन लॉक्ड है या नहीं है। तो जैसे ही टच करते देखें अमेजन फटाक से खुल जाता है। और जैसे ही आप दोबारा ऐप लॉक या ऐप हाइड में जाएंगे तो ये आपको बोलेगा फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन और फेशियल ऑथेंटिकेशन भी देने के लिए, बिल्कुल से इनेबल कर लीजिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। बस आपको यहाँ पर अपना पैटर्न दे देना है और ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा फिंगरप्रिंट एंड फेशियल ऑथेंटिकेशन। तो अब ऐप लॉक यानी कि ऐप इंक्रिप्शन में जाएंगे, अमेजन को ओपन कर देंगे और जैसे ही आप अमेजन को ऑन करेंगे तो अब आप ऐप लॉक में जाएंगे, अमेजन खुल रहा था मगर अब आप ट्रिगर करेंगे तो आप देख सकते हैं या तो ये बोलेगा फेस देने के लिए या फिंगरप्रिंट देने के लिए या पासवर्ड देने के लिए। चलिए फिंगरप्रिंट ही देते हैं और देखें अमेजन खुल जाता है। तो अब इस ऐप लॉक की अपार सफलता के बाद हम लोग चलते हैं हिडन ऐप्स में। तो ऑब्वियसली आपको अपना पासवर्ड देना होगा या पिन देना होगा तभी आप अंदर जाएंगे, ऐप हाइड में जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं इतना सारा ऐप में से किसी को भी हाइड कर सकते हैं, मगर उसके पहले आपको ये जरूर जान लेना है कि हिडन ऐप को आप देखेंगे कैसे, वरना आप हाइड कर देंगे और देखने का समय आएगा तो आप बोलेंगे कि मैजिकल टेक गुरु ने आपको बताया ही नहीं। तो फटाक से व्यू हिडन ऐप को आपको इनेबल कर लेना है और करना क्या है कि दो फिंगर से होम स्क्रीन पर बस आपको ऐसा करना है, स्वाइप अप करना है। अब दोस्तों आज गाज तो अमेजन पे ही गिर रहा है, चलिए अमेजन को ही हाइड कर देते हैं। अभी हम लोगों ने उसको लॉक किया था, अब उसको हाइड कर देते हैं और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये बोलता है कि ये क्लोज कर देगा अगर वो हिडन है या फर्स्ट टाइम है। तो ऑब्वियसली आपको डोंट रिमाइंड मी अगेन कर देना है, ओके कर देना है, ऐप स्क्रीन में जाना है और देखना है कि अमेजन है या नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं अमेजन गायब हो चुका है। तो हिडन ऐप को देखने का तरीका आपको अगर याद होगा तो आपको होम स्क्रीन पर जाना है, दो उंगली से बस ऐसे करना है और देखिए हिडन ऐप आपको आ जाएगा, मगर उसके लिए आपको पासवर्ड देना है क्योंकि आपने उसको लॉक किया हुआ। और जैसे ही आप पासवर्ड देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन ऐप का लिस्ट आ जाता है जिसमें अमेजन है, यहाँ से इसको खोल सकते हैं। तो ऐप इंक्रिप्शन यानी कि ऐप लॉक और हिडन ऐप की अपार सफलता के बाद अब आप क्या देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप ऐप क्लोन देखना चाहते हैं, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर ऐप्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप क्लोन यानी डुअल ऐप आपको देखने को मिल जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मली सोशल मीडिया ऐप्स को ही डुअल ऐप में कन्वर्ट करता है, ऐप क्लोन कन्वर्ट करता है, तो किसी को भी आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, जैसे फेसबुक है इसी को हम लोग इनेबल कर लेते हैं और ये बोलता है क्लोनिंग ऐप, यानी कि वो एक नया ऐप बना रहा है और आप देख सकते हैं क्लोन ऐप जो है ऐप स्क्रीन में आ जाता है। तो उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप ऐप स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक जो ओरिजिनल है और डुअल ऐप यानी टू फेसबुक यानी सेकंड फेसबुक है, जिसके यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का आइकॉन देखने को मिल जाता है जो बताता है कि ये डुअल ऐप है यानी ऐप क्लोन है। ऐप क्लोन का फायदा आप जानते हैं दोस्तों, एक ही मोबाइल में दो दो फेसबुक आप यूज करेंगे, वो भी दो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से, यानी दो फेसबुक के लिए आपको दो मोबाइल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आई मैनेजर देखने को मिल जाता है, जिसमें कमाल का चीज है कि आपको बताता है स्कैन करके कि आपका मोबाइल अभी कितना सेफ है, कितना सिक्योर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोर 89 आता है यानी गुड है, मगर इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से आपका मोबाइल जो है वो काम करे। और उसके बाद फोन मैनेजमेंट टैब से आप यहाँ पे यूटिलिटी टूल्स में आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे फोन कूलिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले तो चेक करेगा आपको टेम्परेचर कितना है फोन का और बताएगा टेम्परेचर नॉर्मल है या ज्यादा है या कम है। तो जैसे ही आपको बताता है ज्यादा है यहाँ से बस कूल डाउन कर देना, ऐसे ही कूल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल बर्फ का गोला बनाएगा और 60 सेकंड लेगा आपके फोन को कूल करने के लिए, जो नॉर्मली दिन में एक बार आप कर लिया कीजिए ताकि आपका फोन बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए और आपको बिल्कुल फोन को एंजॉय करने में मजा आ जाए। इसके बाद इसको डन कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फोन कूलिंग बाद नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग आपको देखने को मिल जाता है, जिसको जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो ये पिंग करेगा और बताएगा आपका वाईफाई या आपका डेटा जो भी है उसका लेटेंसी कितना है, 15 MS का आता है। उसके बाद ये आपका स्पीड चेक करेगा डाउनलोड और अपलोड और उसके बाद बताएगा कि नेशन वाइड आपका जो नेटवर्क है वो कहाँ ठहरता है और आपका कितना बढ़िया नेटवर्क स्पीड है, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो चाहे वो 5G हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 98 MBPS का ब्रॉडबैंड स्पीड इसने डिटेक्ट किया है, जो नेशन वाइड 90% से बेहतर है। फन पार्ट ही है दोस्तों, आप बस यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपने कोई डेडिकेटेड स्पीड ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है तो बस टेस्ट करके आप देख सकते हैं आपका कैसा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड आपको देखने को मिल जाता है, ऐप इंक्रिप्शन ऐप क्लोन तो मैंने बता ही दिया है। अब अपने मोबाइल में होम स्क्रीन पे ऊपर से नीचे ऐसे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ ऐसा
चीज़ खुल जाता है जो बड़ा अनोइंग सा है, सर्च खुल जाता है, नीचे से कीबोर्ड आ जाता है और आपको लगता है ये क्या हो गया अचानक से, आपके भूचाल कैसे आ गया आपके मोबाइल में। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, जबकि आपको लग रहा था कि ऊपर नीचे करेंगे तो पहले क्विक टॉगल आएगा फिर नोटिफिकेशन आएगा, आप आसानी से देख सकते हैं, मगर ये क्या, ये तो अजीब सा अर्थक्वेक आ गया। तो बिल्कुल इसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको इसके सेटिंग्स में जाना है, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने का दो तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहला तो होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके रखिए और होम सेटिंग्स में जाइए और होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आप आ जाएंगे, स्वाइप डाउनवर्ड और होम स्क्रीन इसमें जाना है, ग्लोबल सर्च के जगह नोटिफिकेशन सेंटर कर देना है। अब अपने होम स्क्रीन पे आएंगे, ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आपका क्विक टॉगल आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, होम स्क्रीन पे आप राइट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं अगेन से भूकंप आ जाता है। ये क्या है, ये तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। इतना सारा बैटरी यूसेज, इतना सारा डेटा यूसेज आपको जरूरत ही नहीं है। आप चाहते हैं आपका फोन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करे तो ये सब चीज का आपको जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगेन होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे कैसे जाएंगे, दूसरे तरीके से जाएंगे, दो उंगली से होम स्क्रीन पे ऐसे करेंगे और देखेंगे होम स्क्रीन के सेटिंग्स में चले जाते हैं। और यहाँ पर गूगल डिस्कवर है, इसको बस यहाँ से आपको डिसेबल कर देना है, होम स्क्रीन पे जाना है, राइट स्वाइप कीजिए, देखिए कुछ भी नहीं होगा। वैसे इसके होम स्क्रीन में एक और भी कमाल का हिडन सेटिंग है दोस्तों, इसके लिए आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, राउंडेड कॉर्नर एंड साइज ऑफ आइकॉन में जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी राउंडेड आपका ऐप आइकॉन देखने को मिलता है। आप इसको चाहते हैं स्क्वायर करना तो बस ऐसे कर दीजिए और देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा। और ऐप आइकॉन को साइज को बढ़ाना घटाना चाहते हैं आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, आप देखिए यहाँ से लार्ज कर सकते हैं, यहाँ से स्मॉल कर सकते हैं। और होम स्क्रीन पे सेटिंग्स पे जाने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको तीन खतरनाक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वॉलपेपर मिल जाता है, यूआई कलर मिल जाता है, विजेट मिल जाता है। सबसे पहले वॉलपेपर में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत तरह का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर आप सबसे लास्ट में थ्री डॉट्स के मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही कमाल का काइनेटिक वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जिसको बस आपको डाउनलोड कर लेना है अगर आप में डाउनलोडेड नहीं है तो। और आप यहाँ पे किसी भी टच करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का एनिमेट होगा दिन भर में, जैसे ही आप 4000 स्टेप पूरा करते हैं या कुछ भी यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करते हैं एक टास्क को। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी को भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे उस तरह का वो ब्लूम करेगा और दिन भर में आपको बताएगा कि क्या स्टेटस आपके मोबाइल का है, आपके स्टेप्स का है, आपके टास्क का है। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको स्टैटिक वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है, लाइव वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है। और वॉलपेपर के बाद आप यहाँ पर यूआई कलर भी देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको पैलेट कलर देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं सिस्टम एंड ऐप यूआई कलर को इनेबल करना तो बस यहाँ से इसको आपको इनेबल कर लेना है, ये थोड़ा दिन लगाएगा लोड करने में। और इतना सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है पैलेट कलर का, यूआई कलर का, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल कलर भी कर सकते हैं, डबल कलर में भी आप यहाँ पे चुनना चाहें तो चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये चुन लेते हैं तो सबसे पहला चीज तो आप नोटिस ये करेंगे कि लाइव प्रीव्यू आपको यहाँ पर बताता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लॉक जो है इसका कलर भी चेंज होगा, इस तरह से आप देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका आइकॉन का कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रीसेट कलर के अलावा अगर आप वॉलपेपर के कलर से भी चुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कोई भी कलर आप यहाँ पर चुनना चाहे चुन सकते हैं। जैसे ये कलर आप चुनिएगा, देखिए यहाँ पर आपको प्रीव्यू में भी बता देगा कि इस तरह का कलर है। और यूआई कलर के बाद विजेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही कमाल कमाल का विजेट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लीनअप विजेट है जो बहुत कमाल का, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने होम स्क्रीन पर ले आना है, यहाँ पर सिंगल टैप करना और देखिए ये बिल्कुल एक्सेलरेट करके क्लीनअप करेगा, आपको बताएगा कि कितना जंक है, 58.2 MB जंक है, और उसको क्लीनअप करके बिल्कुल आपको बता देगा कि आपका जंक जो है बिल्कुल ऐसे गायब कर दिया। वैसे विजेट में जाने का एक और बहुत कमाल का तरीका है दोस्तों, आपको ऐप ड्रॉअर में जाना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐप्स है, यहाँ पर विजेट्स है, तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से स्विच कर सकते हैं ऐप्स में और विजेट्स में। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारा विजेट देखने को मिल जाता है, वेदर मिल जाता है, डुअल क्लॉक मिल जाता है, यहाँ पर स्टेप अगर आप देखना चाहें स्टेप देख सकते हैं, अगर आप वॉलपेपर पे उस कमाल के क्लॉक को देख रहे थे तो यहाँ से उस क्लॉक को आप चूज कर सकते हैं, वेरियस क्लॉक्स है आपके पास और वेरियस विजेट्स है आपके पास जिसको आप चूज कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं अपने होम स्क्रीन पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं और आप देखते हैं कि आपको टॉगल देखने को मिल जाता है, मगर यहाँ कमाल का चीज ये भी देखने को मिल जाता है कि आपने कितना डेटा यूज किया है इस मंथ में और आज कितना डेटा यूज किया है। और इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके डेटा मैनेजमेंट प्ले आता है जो आपको बताता है कि आपने अगर कोई डेटा लिमिट वार्निंग सेट किया हुआ है तो यहाँ पर 2 GB दिखाएगा, या आप इसको चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, डेटा सेवर का यूज कर सकते हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। मोबाइल डेटा यूज करना चाहते हैं तो मोबाइल डेटा को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, डेटा यूसेज देख सकते हैं, वाईफाई के डेटा यूसेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर से नीचे आप टॉगल करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर घड़ी दिखा रहा है, इस पर अगर आप टैप करेंगे तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको क्लॉक पे ले जाएगा। अगर आपने 2 क्लॉक यूज किया हुआ है तो 2 क्लॉक पे आएगा, वरना सिंगल क्लॉक आपका खुल जाएगा। और यहाँ पर आप क्लॉक को, अलार्म को, टाइमर को, स्टॉप वॉच को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आपको क्लॉक को आप खोज के उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप क्विक टॉगल में देखेंगे तो आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर जोवी का देखने को मिल जाता है, जो इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शो करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको विजेट शॉर्टकट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर इतना सारा आपको विजेट देखने को मिल जाता है जिसको आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कहाँ से कस्टमाइज करेंगे तो आपको ऊपर जाना है, यहाँ पर सेटिंग्स है, इसमें जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाता है, इसमें आप जा सकते हैं। शॉर्टकट को अगर आप ऐड करना चाहते हैं या किसी भी ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये जो CPUZ हार्डवेयर इन्फो ऐप है, इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे तो आप
देखेंगे कि अब आप अपने जो भी में जाएंगे तो इस ऐप को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक इस तरह से मैंने आपको बताया कि सेटिंग्स में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पिन सर्विसेज इतना है, इसको आप कर सकते हैं, और आपको नीचे से कोई सर्विस चाहिए तो उसको भी आप यहाँ से उठा के यहाँ डाल सकते हैं, बस आपको प्लस साइन पर टच करना है, देखिए यहाँ आ जाता है। आप चाहते हैं ये ऊपर हो तो इसको पकड़ के आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। और क्विक टॉगल में ही दोस्तों आपको बहुत सारा वेरियस फीचर और हिडन ट्रिक्स देखने को मिल जाता है। जैसे इस कैप्चर है, इस पे आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिकॉर्ड स्क्रीन का ऑप्शन यहीं पे देखने को मिल जाता है। लॉन्ग स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक छोटा सा रिकॉर्डिंग को एनिमेट भी यहाँ पे कर सकते हैं, और फनी स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये पांच तरह का फीचर दोस्तों आप में हिडन था, जो कि इस कैप्चर में जाकर आप इसको अवेल कर सकते हैं, और आपको बस मजा ही आ जाएगा। आप बस इसको यूज कीजिए, कितना कमाल का फीचर है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वापस से हम लोग अपने क्विक टॉगल में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं आपको क्या ऑप्शन मिल जाता है। तो मॉन्स्टर मोड देखने को मिल जाता है, जो भी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या काम करता है। रिकॉर्ड स्क्रीन यहाँ पर मिल जाता है, लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप रिकॉर्ड स्क्रीन के ऑप्शन में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो या तो आप सिस्टम ऑडियो कर सकते हैं या माइक्रोफोन ऑडियो कर सकते हैं, या दोनों चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्वालिटी आप वीडियो का क्या रखना चाहते हैं तो हाई रखेंगे ताकि फुल एचडी में ये आपका रिकॉर्डिंग कर सके, और नोटिफिकेशन आप चाहते हैं रिकॉर्डिंग में नहीं है तो यहाँ से बस इसको इनेबल कर दीजिए, और स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बस आप टच करेंगे और देखेंगे कि ये आपको अग्री करवाएगा और रिकॉर्डिंग का एक आपको पैनल आ जाएगा और यहाँ से आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आपका रिकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल को वो सेव कर देता है, टैप करके आप उस फाइल में जा सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अल्ट्रा गेम मोड आपको देखने को मिल जाता है, जिसको जरूर इनेबल करके रखिए, फायदा क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे। और अब बारी आ गई है एक ऐसे खतरनाक फीचर की जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ रिसेंट्स में जाते हैं, कोई भी रिसेंट ऐप नहीं खुला हुआ है। अब नोटिफिकेशन में आते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कोई भी ऐप नहीं खुला हुआ है, किसी भी तरह का नहीं है। लेकिन जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक ऐप जो है वो रन कर रहा है चुपके से, जो ना सिर्फ आपका बैटरी चूस रहा है बल्कि आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस को भी स्लो कर रहा है, फोन को गर्म कर रहा है, बहुत सारा परेशानी कर रहा है, जो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चल रहा है। आपको सिर्फ ये लग रहा है कि आपका बैटरी 5-10% कैसे कम हो जा रहा है, फोन कैसे गर्म हो जा रहा है। तो उसका कारण ये है कि बैकग्राउंड में चुपके से आजकल ऐप जो है वो रन करता रहता है। तो आपको क्या करना है कि इसमें अंदर जाना है और जो भी ऐप हो, जितना भी ऐप हो, उसको आप फोर्सफुली यहाँ से स्टॉप कर देंगे, यानी कि किल कर देंगे। और अब देखिए आप जाएंगे तो कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है, तो इससे आप अपने बैटरी को ही बचा रहे हैं, अपने फोन को अननेसेसरी गर्म होने से भी बचा रहे हैं, और आपका फोन का रिसोर्स भी बिल्कुल बेकार नहीं हो रहा है। और ठीक उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आइकॉन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मल्टी यूजर का यहाँ पर आपको जानकारी देता है। ये MTG जो है वो आपका एडमिन है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए गेस्ट यूजर को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल किसी को देते हैं तो एक गेस्ट यूजर के रूप में दे दीजिए, ताकि वो बार बार से काम कर सके, आपके किसी भी रिसोर्स को, आपके किसी भी डेटा को यूज ना कर सके। और अगर आपको लगता है कि बार बार आपको मोबाइल को किसी को देना पड़ता है कुछ काम से, तो उस यूजर को ऐड कर लीजिए, ताकि आपका डेटा और उसका डेटा बिल्कुल सेपरेट रहे, किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ऑब्वियसली सेटअप में जाने के लिए आपको यूजर सेटअप में चले जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया MTG एडमिन है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इसमें आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाता है, यानी कि सेटिंग्स में अगर आप लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इसको आपको कस्टमाइज कर लेना है, फटाक से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ से ऑन कर देना है, और ऑफ स्क्रीन स्टाइल यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इतना तरह का आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसको आपको बिल्कुल इनेबल कर लेना है, चाहे पर्सनलाइज्ड स्टाइल करना चाहे, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सेंसरी क्लॉक देखने को मिल जाता है, पर्सनलाइज्ड स्टिकर देखने को मिल जाता है, डिजिटल एनालॉग क्लॉक देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है बस यहाँ से आपको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। और अगर आपको लगता है कि इतना से आपका मन नहीं भर रहा है, आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड आइकन है, बस यहाँ पर आपको टच कर देना और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा डाउनलोड करना चाहते हैं तो। अब वापस से बैक जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले मोड आप क्या चाहते हैं। आप फोन को स्लाइटली मूव करेंगे तो डिस्प्ले हो, या फिर स्केड्यूल डिस्प्ले हो, जैसा कि आप चाहते हैं दिन में डिस्प्ले हो, रात में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बैटरी बर्बाद करेगा आपका, तो सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि सारा दिन होता रहे तो आप यहाँ पर सारा दिन भी कर सकते हैं, ये आपका बैटरी थोड़ा ज्यादा यूज करेगा। इसके बाद नोटिफिकेशन कैसा हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने डिस्प्ले ऑल डे किया है तो बस आपको यहाँ से लॉक करना और देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ये निकल कर आ जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पर सेट किया है। अब वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे वॉलपेपर थीम UI कलर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में आप जा सकते हैं और लॉक स्क्रीन का पोस्टर क्या होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूं कि ये ब्यूटीफुल वॉलपेपर अगर आप चाहते हैं लॉक स्क्रीन पे तो आपका बैटरी भी ज्यादा यूज होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि लॉक स्क्रीन पे ज्यादा आपको पोस्टर का जरूरत नहीं है, हाई डेफिनेशन इमेजेस का जरूरत नहीं है, जिसको डाउनलोड करने में डेटा भी जाता है और आपका बैटरी भी लगातार चूसते रहता है। इसलिए 100% रिकमेंडेड है इसको आप डिसेबल ही करके रखिए, बैक जाइए। और इसमें एक कमाल का फीचर है ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, जिसको जरूर से इनेबल करके रखिए। जैसा कि मैं नॉर्मली अपना नाम दे के रखता हूँ, आप चाहे तो नाम या मोबाइल नंबर कोई भी दे सकते हैं।
जिसका फायदा क्या होगा, तो जैसे ही आप ओके करेंगे और अपने लॉक स्क्रीन पे जाएंगे तो लॉक करेंगे, इसके बाद डबल टैप करेंगे लॉक स्क्रीन पे आने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैजिकल टेक गुरु जो मैंने लिखा था वो यहाँ पर आ जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नाम देना है तो नाम दे दीजिए, मोबाइल नंबर देना है तो मोबाइल नंबर दे दीजिए, ताकि किसी के पास भी फोन जाए तो वो लॉक स्क्रीन को तो देख ही सकता है, और उससे वो पहचान जाएगा कि अगर आपका मोबाइल गुम हो गया है तो ये मोबाइल किसका है, नाम देख के या मोबाइल नंबर देख के, और आपको पहुंचा देगा। वापस से बैक जाएंगे और होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने का तीसरा तरीका भी है दोस्तों। यहाँ से होम स्क्रीन के सेटिंग्स में देखिए आप डायरेक्टली जा सकते हैं, दो तरीका मैंने आपको बताया था होम स्क्रीन से जाने का। दोस्तों ये मोबाइल और भी खास हो जाता है जब आपको ये बहुत सारा डायनेमिक इफेक्ट देखने को देता है। जैसे ही आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे, डायनेमिक इफेक्ट्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको टन्स ऑफ डायनेमिक इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो इस फोन को बहुत ही यूनिक बनाता है। जैसा कि देख सकते हैं, पहला है एनहांस डायनेमिक इफेक्ट, इसके अंदर जाएंगे और जैसे ही इसको आप इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि क्विक इंटरफेस का जो डिस्प्ले है, एनिमेशन है, वो बिल्कुल चेंज हो गया और आपको बहुत ही यूनिक लगता है, आपको बहुत ही प्रीमियम लगता है आपका फोन यूज करने में अगर आपको इस तरह का डायनेमिक इफेक्ट देखने को मिलता है तो। और सिर्फ इतना ही नहीं, वेदर और मिनानो म्यूजिक प्लेयर में भी ये डायनेमिक इफेक्ट को दिया गया है। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे, यहां से इनेबल कर देंगे तो वेदर ऐप में वो आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डायनेमिक हो गया, यानी रात है तो आपको वो बादल दिखाएगा, दिन है तो आपको वो सन दिखाएगा, क्लाउडी है तो आपको बारिश दिखाएगा, तो आपको बहुत ही यूनिक फील होगा, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इसी तरह से नैनो म्यूजिक प्लेयर में भी अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो आप देखेंगे जो प्ले बटन है वो कलर चेंजिंग इफेक्ट के साथ आएगा। एग्जांपल के लिए वेदर ही को देख लेते हैं कैसा काम करता है। तो ऑब्वियसली आप जैसे ही अपने वेदर में जाएंगे और जैसे ही आप अपने सिटी को यानी करंट लोकेशन को सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक बहुत ही कमाल का चीज मिलता है। देखिए रात अभी तो यहाँ क्लाउडी दिखा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया दिन होता तो सन दिखा रहा होता, और यहाँ पर बहुत सारा फीचर आप अपने सिटी के वेदर का देख सकते हैं, जिसमें सबसे कमाल का फीचर ये AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये आपको बताता है जो कि फेयर है, जो गुड होना चाहिए अगर आप मानते हैं कि आपके शहर में अच्छा एयर क्वालिटी है। तो अब वापस से हम लोग डायनेमिक इफेक्ट में आ जाते हैं और टच स्क्रीन का भी एनिमेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। स्क्रीन पर अगर आप टच करेंगे, कोई एनिमेशन चाहते हैं तो आप इस तरह का सेट कर सकते हैं। देखिए ये एनिमेशन हो सकता है, ये एनिमेशन हो सकता है, ये एनिमेशन हो सकता है, कमाल का चीज है ना। अप्लाई कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे, ऑब्वियसली बैटरी ज्यादा यूज करेगा आपको बताएगा, मगर एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। और होम स्क्रीन पर आप कहीं भी टच कीजिएगा तो देखिए आपको ये एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि आपको बहुत ही मजा आएगा। थोड़ा बैटरी खर्च होगा मगर नया फोन है, इतना मजा तो करना ही चाहिए आपको अपने नए मोबाइल के साथ। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे एम्बियंट लाइट इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली एमोलेड स्क्रीन है दोस्तों, तो एम्बियंट लाइट इफेक्ट तो बनता है, जिसमें आपको पहले तो कस्टम टाइम सेलेक्ट करना होता है कि किस रेंज में आप एम्बियंट लाइट इफेक्ट को देखना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए ऑब्वियसली दिन में आप मोबाइल यूज करते हैं तो दिन में ही सेट करना चाहेंगे 6 बजे से 12 बजे तक। इसके बाद एक नया फीचर जो एम्बियंट लाइट इफेक्ट में, यानी कि ये जो कर्व एज है यहाँ पर जो इफेक्ट आता है उसमें आ गया है, म्यूजिक में भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। म्यूजिक आप प्ले करते हैं अपने मोबाइल में तो यहाँ पर जो कर्व स्क्रीन है यहाँ पर आपको एक एनिमेशन प्ले करने को मिलेगा, जिसका ड्यूरेशन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, जितना भी देर करना चाहें। और म्यूजिक लाइक इफेक्ट को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह का एनिमेशन जो है यहाँ पर आएगा, आप देख सकते हैं अभी ये प्ले हो रहा है। आप चाहे तो इस तरह का कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह का कर सकते हैं ग्रीन, या आप चाहे तो इस तरह का कर सकते हैं। और बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि म्यूजिक के बाद आप इनकमिंग कॉल में भी एम्बियंट लाइट इफेक्ट देख सकते हैं, यानी कर्व्ड स्क्रीन पे यहाँ पर एज लाइटिंग देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है तो लाइट इफेक्ट इनकमिंग कॉल यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। तीन तरह का आपको एनिमेशन देखने को मिलता है, एक इस तरह का मिलता है, एक इस तरह का रेड कलर का मिलता है, अगेन इस तरह का ब्लू कलर का, काफी अच्छा सा एनिमेशन देखने को मिलता है। वापस बैक जाएंगे तो आप देखेंगे इनकमिंग कॉल के नीचे नोटिफिकेशन के लिए भी आप ऑब्वियसली सेट कर सकते हैं एम्बिएंट लाइट इफेक्ट को। नोटिफिकेशन कौन कौन सा ऐप में होगा, सारा ऐप चाहे तो सारा ऐप कर सकते हैं, सिलेक्टेड ऐप चाहे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐप को। और बैक जाएंगे अगेन कस्टमाइज करेंगे लाइट इफेक्ट को, यानी एज लाइटिंग के इफेक्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरह से, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे होम स्क्रीन के ट्रांजिशन को भी यहाँ पे एनिमेशन को आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि जैसे ही होम स्क्रीन पे आप जाएंगे तो किस तरह का एनिमेशन आएगा, इस तरह का एनिमेशन हो सकता है, इस तरह का एनिमेशन हो सकता है, या फिर इस तरह का एनिमेशन हो सकता है। तो यहाँ से आप वेरियस एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी एनिमेशन आपको सही लगता हो, बस आपको अप्लाई कर देना है। और एग्जांपल के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे और जैसे ही आप होम स्क्रीन पर जाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से खुलता है, इस तरह से बंद होता है। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन में एंटर करने का एनिमेशन जब आप अनलॉक करते हैं तो आप किस तरह का चाहते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। देखिए आप इस तरह का चाहें तो इस तरह का कर सकते हैं, इस तरह का कर सकते हैं, इस तरह का कर सकते हैं, यानी इतना सारा आपको ऑप्शन मिल गया है, आप जिस तरह का करना चाहें इस तरह कर सकते हैं। ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों, कैसे काम करता है तो मैं आपको देता हूँ। इसके लिए आपको स्क्रीन को लॉक करना होगा और जैसे ही आप अनलॉक करेंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। वापस से अपने डायनेमिक इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट आइकॉन के एनिमेशन को भी यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीन को लॉक करते हैं तो ये एनिमेशन हमेशा आपको दिखाते रहता है, तो किस तरह का एनिमेशन आप चाहते हैं फिंगरप्रिंट का, इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर एक ही है इसलिए मैं ये कलर को ही रखता हूँ, बढ़िया लगता है फिंगरप्रिंट का आइकॉन। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है, यानी फिंगरप्रिंट पर जैसे ही आप टच करते हैं तो उसका रिकॉग्निशन कैसा होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो भी
भी आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपका पर्सनल चॉइस है, आप जो भी करना चाहें करके बस अप्लाई कर दीजिए, बैक जाइए। इसके बाद आप देख सकते हैं फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन को भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका फोन लॉक होता है और एक्सपेक्ट करता है कि आपका फेस दिखे ताकि फेस रिकॉग्निशन हो सके, तो यहाँ पर ये आपको इस तरह का एनिमेशन दिखाएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये आपके फेस को एक्सपेक्ट कर रहा है अपने आप को ओपन होने के लिए। वापस से बैक जाएंगे डायनेमिक इफेक्ट में और यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग एनिमेशन भी आपको दिखाता है। जैसे ही आप चार्जिंग में यहाँ पर अपना सी टाइप का प्लग लगाएंगे तो इस तरह का आपको एनिमेशन चार्जिंग का दिखाएगा, जिसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और कमाल की बात ये नहीं दोस्तों, कमाल की बात ये है कि यूएसबी इंसर्शन का भी आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। यानी कि यूएसबी जैसे ही आप प्लग करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपको एनिमेशन देखने को मिलता है जैसे ही आप डेटा केबल यहाँ पर प्लग करते हैं। और इसी में एक बहुत ही कमाल का हिडन ट्रिक आपको देखने को मिल जाता है, स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन का। यानी स्क्रीन को आप ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तो किस तरह का एनिमेशन होगा, तो इस तरह का आप एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको एनिमेशन अच्छा लगता है। जैसे ये राइट वाला मेरे को अच्छा लगता है, बस यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। और ये काम कैसे करता है, तो ऑब्वियसली आपको स्क्रीन को ऑन या ऑफ करना होगा, तो स्क्रीन को डबल टैप करके ऑफ कर दीजिए, देखिए इस तरह का एनिमेशन होगा। ऑन करेंगे तो इस तरह का एनिमेशन होगा। अब आप भी ये जानने को बेकरार होंगे दोस्तों कि डबल टैप करने पर लॉक और डबल टैप करने पर अनलॉक जो मैं कर रहा हूँ वो इनेबल आप कहाँ से कर सकते हैं या डिसेबल कहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाना होगा, हिडन फीचर है इसलिए ऑब्वियसली ये छुपा होगा। कहाँ छुपा होगा, तो आपको नीचे में जाना है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में, इसमें जाएंगे, स्मार्ट मोशन में जाएंगे, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप टू वेक कर सकते हैं, डबल टैप टू ऑफ कर सकते हैं। और रेस टू वेक फीचर भी बहुत कमाल का होता है जो आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ताकि फोन को जैसे ही आप अपने हाथ में उठाएं तो इसका स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाए और आपको बता दे कि कोई नोटिफिकेशन आया, कोई मिस कॉल आया, कोई बटन आपको दबाना पड़े जिससे आपका बैटरी ज्यादा यूज होता है। अब वापस इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे स्मार्ट कॉलिंग का भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो आपको जरूर से यूज करना चाहिए, जिसमें स्मार्ट कॉल है। और इसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने कॉन्टैक्ट को अगर आप देख रहे हैं अपने फोन पे और जैसे ही कान में लगाएंगे उस कॉन्टैक्ट को ऑटोमेटिकली ये कॉल कर देगा। और स्मार्ट आंसर का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि जैसे ही आपका कॉल आ रहा है आप अपने फोन को जैसे ही कान में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके फोन को आंसर कर देगा। और बताने की जरूरत नहीं कि स्मार्ट स्विच में ये स्विच करेगा, यानी कि अगर आप हैंड्स फ्री यूज कर रहे हैं तो जैसे ही आप अपने कान में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्विच कर जाएगा हैंड्स फ्री से हैंडसेट में। और आपका फोन जो है वो रिंग कर रहा है और जैसे ही कवर कर देंगे आप अपने स्क्रीन को हाथ से तो ये ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा अगर आप स्मार्ट म्यूट को इनेबल कर लेंगे तो। अब वापस से हम लोग बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे फोन को जैसे ही आप शेक करेंगे तो फ्लैश लाइट पीछे से ऑन हो जाएगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वापस से बैक जाएंगे और यहाँ पर आपको इस कैप्चर देखने को मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर तीन फिंगर से आप ऐसे करेंगे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तुरंत। और दूसरा तरीका स्क्रीन शॉट का आप जानते ही है, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मगर कमाल का चीज वो नहीं है दोस्तों। कमाल का चीज ये है कि आप ऐसे करते हैं स्क्रीन शॉट तो ले लेते हैं लेकिन यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं बस इस बटन को टच करके। ऑटोमेटिकली देखिए ये स्क्रॉल करेगा आपके स्क्रीन को और जैसे ही एंड पे पहुंच जाएगा तो ये बोलेगा आपको सेव करने के लिए और पूरा का पूरा पेज का स्क्रीनशॉट आप एक टैप से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है और ये सेव हो जाता है आपके एल्बम में। अब इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का। ये क्या करता है दोस्तों, अभी आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो क्या होना चाहिए, पावर मेनू आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं कि क्या हो जाता है, तो ये बोलता है कि ये जो असिस्टेंट है ये आएगा। कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, मगर आप चाहते तो ऑब्वियसली पावर मेनू आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके अंदर जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन में जाके बस आपको यहाँ पर पावर एंड इमरजेंसी मेनू को टच कर देना है। अब आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे पावर बटन को तो आप देखेंगे कि आपका जो पावर मेनू है वही आता है और आप फटाक से यहाँ से पावर ऑफ या स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी तरह का बटन याद रखने की जरूरत नहीं है कि पावर बटन वॉल्यूम बटन को एक साथ प्रेस करना है। इसके बाद सबसे कमाल का फीचर आपको इजी टच देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इसको इनेबल कर लेना और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉल आपको देखने को मिल जाता है जिसको आप टैप करेंगे तो क्या होगा, देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आकर हाइड हो जाता है। यहाँ से आपको ऐसे घींच के लाना है, टैप करना है तो देखिए मेनू खुल जाता है क्योंकि यहाँ टैप में आपने मेनू सिलेक्ट किया हुआ है इस तरह का। आप चाहे तो कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आप कैलकुलेटर टच करेंगे, अब देखिए ये ओपन करेंगे, कैलकुलेटर करेंगे, देखिए कैलकुलेटर आ जाएगा। और कैलकुलेटर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो में आया है, आपका ये फुल स्क्रीन में भी नहीं है, ताकि आप ऊपर से कैलकुलेटर यूज कर सके और नीचे से आप अपने इजी टच के मेनू को यूज कर सके। अब जब फ्लोटिंग विंडो आई गया दोस्तों तो इसका भी एक कमाल दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आप इसको कहीं भी रखना चाहे तो इस तरह से पकड़ के कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे। छोटा बड़ा करना चाहे इसके साइज को तो किसी भी एसेस को ऐसे पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये छोटा बड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको बटन देखने को मिलता है, टच कर दीजिए, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और एक तरीका और बताते हैं आपको इसको मिनी विंडो में लाने का, बस इसको आपको रिसेंस में जाना है, यहाँ पर जो आइकॉन है इस पर टच करना और यहाँ पर देखिए स्मॉल विंडो पर टच करेंगे वापस से स्मॉल विंडो में आ जाएगा। अब इसको अगर फर्दर मिनिमाइज करना है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए मिनिमाइज का बटन है यहाँ, टच कर दीजिए, देखिए मिनिमाइज होकर यहाँ पर आ जाता है, कहीं भी इसको रखिए और आप यहाँ पर ये जो इजी टच है उसको यूज कर सकते हैं इस तरह से। और फिर आप बैकग्राउंड में जो चाहे वो कर सकते हैं, दोनों अपने अपने जगह पे बिल्कुल कायम रहेगा। और मिनी विंडो का अगर आपका काम हो गया है तो यहाँ से मिनी विंडो को आप क्लोज कर सकते हैं। अब वापस से हम लोग इजी टच में जाते हैं और देखते हैं डबल टैप पे भी आप कुछ
कर सकते हैं कस्टमाइजेशन अगर आप करना चाहें तो, जैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देखिए डबल टैप करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो इस तरह से टैप एंड होल्ड पे आप होम स्क्रीन पे जा सकते हैं, होल्ड एंड स्लाइड साइडवेज पे आप बैक जा सकते हैं, होल्ड एंड स्लाइड डाउन पे आप कुछ भी चाहे यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। तो इजी टच को अगर आपको यूज करना है तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का फीचर है और हिडन होता है मगर बहुत पावरफुल फीचर है। ठीक इस तरह से वीडियो कॉल पे अगर आप फेस ब्यूटी यूज करना चाहते हैं तो बस यहाँ से आपको इनेबल कर देना है, व्हाट्सएप पे करना चाहे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जूम पे करना चाहे जूम पे कर सकते हैं, जो भी ऐप इंस्टॉल्ड होगा यहाँ पर आ जाएगा, वरना मोर ऐप्स में जाके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से बैक जाएंगे और फिर देखेंगे आपको फ्लैश नोटिफिकेशन मिल जाता है। आईफोन में आपने देखा होगा ये कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है। और ये फीचर क्या करता है दोस्तों, तो आपने आईफोन में देखा होगा कि आईफोन में कॉल आता है तो पीछे का जो फ्लैश है वो भकभुक भकभुक करने लगता है, यानी कि ब्लिंक करने लगता है। तो यहाँ से बस आपको इनेबल कर देना है। और अब आपके भी फोन में अगर इनकमिंग कॉल आएगा तो पीछे का फ्लैश जो है वो भकभुक भकभुक यानी कि ब्लिंक करने लगेगा और आप बिल्कुल कूल फीचर यूज करेंगे अपने मोबाइल का, आपके दोस्त बोलेंगे वाह क्या मोबाइल है, क्या क्लासिक फीचर है। तो दोस्तों से अगर आपको तारीफ हो दोस्तों तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको भी कोई परेशानी नहीं है और हम तो आपके लिए हैं ही बताने के लिए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इन फीचर्स हमेशा के लिए। इसके बाद इसी में नीचे आएंगे तो 100 मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, बस यहां से इसको इनेबल कर लेना है। काम कैसे करता है तो स्क्रीन पर बस ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, देखिए आपका 100 मोड में आ जाता है। फोन आप देख सकते हैं कितना बड़ा है दोस्तों स्क्रीन, एक अंगूठा कहां ऊपर जाके काम करेगा एक हाथ से, मगर 100 मोड में आते ही आप देख सकते हैं अंगूठा यहां जा सकता है, आप अपने स्क्रीन पे जो चाहे वो कर सकते हैं, बस स्क्रीन आपका छोटा हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन के साइज को आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो यहां पर टच कर देना और देखिए स्क्रीन के साइज को आप यहां पर बढ़ा घटा भी सकते हैं, छोटा करना चाहे तो और छोटा कर सकते हैं। और जैसे ही आपको लगता है कि 100 मोड का काम हो गया है तो यहां से बस क्लोज कर दीजिए, देखिए आप फुल स्क्रीन में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसमें आपको मिनी विंडो या फिर फ्लोटिंग विंडो भी देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। उसके लिए आप क्या करेंगे तो ऑब्वियसली 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, ऊपर के आइकॉन को टच करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें चले जाएंगे और देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आधा स्प्लिट स्क्रीन में यहाँ जाता है और आधा बोलता है किसी को भी सिलेक्ट करने के लिए चलिए प्ले स्टोर को ही कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आधे में प्ले स्टोर आधे में रोम तो पहले से था और यहाँ पर बीच में आपको डिवाइडर देखने को मिल जाता है जिसको पकड़ के आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और देखिए बैकग्राउंड कितना बढ़िया से ये ब्लर करता है और कौन सा ऐप है उसका आइकॉन यहाँ पर आपको दिखाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस डिवाइडर पर जैसे ही आप टैप करते हैं तो आप देखते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है स्वैप करने का, यानी कि ऊपर का स्क्रीन नीचे और नीचे का स्क्रीन ऊपर भी आ सकता है इस तरह से। और आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन आप हमेशा यूज करते हैं क्रोम का और प्ले स्टोर का, तो यहाँ पर आपको डिवाइडर पर टच करना है और ये प्लस कर देना है और इसको ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन पे, ताकि सिंगल टैप से ही आप अपने स्प्लिट स्क्रीन को यूज कर सके। और आपको लगता है कि कोई दूसरा ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में अभी आपको लाना है तो अगेन आप इस पर टच करेंगे, यहाँ एप्स के स्क्रीन पे इस पर टच करेंगे और आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है ऊपर में कोई दूसरा स्प्लिट स्क्रीन को चूज करने का। ऑब्वियसली क्रोम यहाँ पर है तो क्रोम यहाँ पर डिसेबल्ड होगा, मान लीजिए फेसबुक करना है तो यहाँ टच कर दीजिए, देखिए फेसबुक यहाँ पे आ जाता है। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको पूरे स्क्रीन में जो है ये क्रोम ही चाहिए, ये फेसबुक का आपको जरूरत नहीं है, तो यहाँ डिवाइडर पकड़ के ऐसे कर दीजिए, देखिए पूरा का पूरा स्क्रीन में फुल स्क्रीन में क्रोम आ जाएगा। वैसे स्प्लिट स्क्रीन में जाने का एक और भी कमाल का तरीका आपको इसमें देखने को मिलता है, सेटिंग्स में जाना है, अगेन शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में जाना है और यहाँ पे स्मार्ट स्प्लिट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें एंटर स्प्लिट स्क्रीन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप 3 फिंगर से अगर ऊपर करते हैं किसी भी ऐप में तो वो स्प्लिट स्क्रीन में चला जाएगा। चलिए चेक करते हैं काम करता है कि नहीं करता है, तो प्ले स्टोर में जाते हैं, 3 फिंगर्स नीचे से ऊपर करते हैं और देखिए ये स्प्लिट स्क्रीन में ऑटोमेटिकली चला जाता है। ऑब्वियसली दूसरा ऐप आपको लाना है तो यहाँ से क्रोम सेलेक्ट कर लीजिए और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रोम फिट हो जाता है और स्प्लिट स्क्रीन में ये चला जाता है। और चलिए यहाँ पर एक हिडन टिप्स आपको बताता हूँ दोस्तों, जो बहुत ही कमाल का आपको इस फोन में देखने को मिलता है। रिसेंस बटन पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसको टच करेंगे तो आप देखिए ये वर्टिकली हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टली हो जाता है। अगर आप वर्टिकली ऐसे उड़ाना चाहें तो देखिए यहाँ से वर्टिकली उड़ा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली करके ऐसे उड़ाना चाहे तो हॉरिजॉन्टली उड़ा सकते हैं। अब समय आ गया है दोस्तों एक खतरनाक फीचर को देखने का, तो चलिए सबसे पहले कोई भी गेम को ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही आप गेम को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टी टर्बो का इतना बढ़िया फीचर आपको एनिमेशन के साथ आता है, यानी कि आपको गेम टर्बो का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। कहाँ से देखने को मिलता है तो यहाँ से आपको इसे खींच के लाना और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम टर्बो में आपको सीपीयू और जीपीयू का जो करंट स्कोर है वो यहाँ पे दिखा रहा है कैसा है। और साथ में 3 मोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, बाय डिफॉल्ट ये बैलेंस मोड में रहेगा। अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं तो बैटरी सेवर मोड में कर सकते हैं ग्रीन कलर में, मगर रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि गेमिंग में आपको मॉन्स्टर मोड चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा रिसोर्स दे आपके मोबाइल में, ताकि आपको बिल्कुल लैग फ्री गेमिंग का एक्सपीरियंस हो। तो इसके लिए आप यहाँ पर मॉन्स्टर मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं और देखिए मॉन्स्टर मोड में जैसे ही आएगा तो ये बिल्कुल कमाल हो जाएगा और आपका मोबाइल का जितना भी रिसोर्स है सारा का सारा इस गेम को मिलेगा और आप बिल्कुल मक्खन की तरह गेमिंग कर सकेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस टर्बो मोड में आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड कॉल को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं, मोशन कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, स्क्रीन ऑटो प्ले को ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है कस्टमाइज करके बस डन कर दीजिए। और
ये बताने की जरूरत नहीं कि मॉन्स्टर मोड आपने ऑन कहाँ से किया था, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको मॉन्स्टर मोड देखने को मिलता है और अल्ट्रा गेम मोड यहाँ से आप इनेबल करेंगे तभी ये सारा मोड आपको गेमिंग में आएगा, वरना नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं खतरनाक हिडन फीचर की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन का, जिसमें आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, जो जरूर से आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आया हो यहाँ पर आप उसको देखे और गलती से अगर आपने उड़ा दिया हो इस तरह से तो आपको अफसोस ना हो कि क्या नोटिफिकेशन था जो मैंने उड़ा दिया, मैंने देखा ही नहीं। अगर आपने नहीं देखा तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में सारा का सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर कैप्चर हो जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं आप ऐप वाइज यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा नोटिफिकेशन जो है वो आ जाता है। और इसका एक सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल फायदा यह है कि व्हाट्सएप पे आपको कोई दोस्त आपका मैसेज करता है कि भैया 100 रुपये चाहिए और फिर वो डिलीट कर देता है और आप आ जाते हैं टेंशन में क्योंकि आप व्हाट्सएप पे जाते हैं तो देखते हैं योर मैसेज इज डिलीटेड, तो आपके फ्रेंड ने क्या मैसेज किया था जो डिलीट हो गया है और आप टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा क्या था, फिर आप उसको सोचते हैं फोन करके पूछें, फिर आपको लगता है कि वो बोलेगा कि कैसा टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि बार बार पूछता है फोन करके, उसको तो समझ जाना चाहिए था। अगर आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर है दोस्तों तो ऑब्वियसली आपको इस तरह का चीज सोचने का जरूरत नहीं है, आपको एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स आपके फोन का पता रहेगा ताकि आप उससे नहीं पूछेंगे। आप यहाँ आकर देख सकते हैं कि व्हाट्सएप के नीचे कौन सा मैसेज था कि 100 रुपया चाहिए। आप सोचेंगे बढ़िया ही है कि आपने फोन करके नहीं पूछा, वरना 100 की जगह 1000 कहीं आपसे वो ना मांग लेता। और अगर गलती से बोलता है कि 100 रुपया चाहिए तो बोलना फिर से डिलीट कर दो मैसेज को। तो दोस्तों ये थे इस फोन के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स। आपको कैसा लगा ये फोन कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये पुण्य का काम है, मैं हमेशा कहता हूँ करते रहना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत हमेशा की तरह ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।